हलचल टीवी न्यूज। बहुमत के बल पर सरकार कोई भी फैसला ले सकती है, लेकिन सरकार द्वारा लिए गए फैसले को लोग किस तरह लेते हैं ये तो लोग ही बताएंगे। और अगर पंचायती चुनाव की तर्ज पर नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में सरकार शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू करती है तो लोग इस पंचायत चुनाव में ही बीजेपी सरकार की तसल्ली करवा देंगे। ये बात इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने एलनाबाद दौरे के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही। आपको बता दें कि आज सिरसा में बीजेपी सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करणदेव कंबोज ने पंचायती चुनाव की तरह नगर निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने की बात कही थी। अब तो इनके पास बहुमत है, और ये बहुमत के बलबूते पे कोई भी फैसले ले सकते हैं, लेकिन लोग इनके किए हुए फैसले पे किस तरह से मोर लगाएंगे, ये पंचायतों के चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब पता चल जाएगा। ये नगर निगम में और नगर पालिका में अगर ऐसा फैसला लेंगे तो फिर इनकी और अच्छी तरह से तसल्ली करा देंगे लोग। कहाँ से मुआवजा देना होता मुख्यमंत्री ने, तो सितंबर के महीने में गिरदावरी कराते जिस वक्त क्रॉप खराब हो रही थी। अब तक तो ये गिरदावरी नहीं करा सके, मुआवजा कहाँ से देंगे। ये तो हाउस के अंदर लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर हाउस का मेंबर होकर के और हाउस को गुमराह करता है या झूठ बोलता है तो सबसे बड़ा पाप का भागीदार है, क्योंकि हम संविधान की सौगंध खा करके हाउस में जाते हैं। और अगर हम संविधान की खिल्ली उड़ाएंगे तो फिर लोगों का विश्वास कैसे रहेगा हमारे ऊपर। हमारे देश के प्रधानमंत्री आधी से ज़्यादा दुनिया घूमे, हमारे मुख्यमंत्री पीछे क्यों रहे, उनको कोई जाने से रोक सकता है। इसलिए एक होड लगी हुई है कि भाई प्रधानमंत्री जितने मुल्कों में जाए कम से कम उतने मुल्कों में हम भी जाके आए। ये एक बहाना होता है विदेश जाने के लिए कि हम कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए दूसरे लोगों को जा करके प्रोत्साहित करके आएंगे, लेकिन जिस प्रदेश की अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ दूसरे तीसरे पायदान से 14वें पायदान पे आके रुकी, आके खड़ी होगी, और लगता है कि जिस ढंग के हालात हैं प्रदेश के उससे ये और पीछे जा सकती है, तो उस प्रदेश में कौन सी मुल्क के लोग आकर के इंडस्ट्री लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, जहाँ बिजली नहीं मिलती, जहाँ पानी नहीं मिलता। इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ें सबसे जरूरी है, ये सारी सुविधाएं नहीं होगी तो कैसे इंडस्ट्री आएगी। सिरसा से हलचल टीवी के लिए सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।